हेलो एंड वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने एक बहुत ही ओपी चीज बनाई थी, वो था फुल डायमंड बीकन। वैसे मैंने सिर्फ एक बीकन का पार्ट बना था और उसके आसपास का डेकोरेशन भी मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा। तो अब ये दिखने में एक्चुअली बहुत ही ओपी दिख रहा है और मैंने सीधा लंदन को ठोक दिया। लीव्स और नेदर के ब्लॉक्स डालकर ये मैंने बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। और साइड में हमारी सोल, अरे इलेट्रा, और साइड में हमारे आत्मा का फायर भी है। अब बस एक चीज बाकी है, वो है, अरे यार इलेट्रा बार बार चालू हो जाता है रे। एक चीज बाकी है, वो है इसके ऊपर का बीकन। वैसे ये ब्लॉक भी टूट ही जाएगा। बीकन बनाने के लिए मुझे विदर को मारना पड़ेगा और विदर बनाने के लिए मुझे विदर स्कल चाहिए, जिसके लिए मुझे विदर स्केलेटन को मारना पड़ेगा। वेल, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना विदर स्केलेटन का फार्म ही बनाया जाए, क्योंकि स्केलेटन की जरूरत तो हमें बहुत पड़ने वाली है। और मैं आज पूरी तैयारी करके आया हूँ भाई लोग। हेलो बकरी, गुड मॉर्निंग। फार्म बनाने का जितना भी सामान है वो सब मैंने इन दो शेल्कर बॉक्सेस के अंदर डाल दिया है। सारे बेसिक ब्लॉक्स है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लॉक्स नहीं है इसमें। लेकिन गेस व्हाट, ये फार्म बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें वो परफेक्ट जगह ढूंढनी पड़ेगी। आ रहा क्या नेदर में? आई एम सॉरी बाबू। इट्स ओके ओके, डरो मत यार, छोड़ जैसे जिसकी सोच। और ये भी मेरा एक रूम है जिसको मैं भूल चुका था। नाइस रूम। अभी हम लोग फटाफट से नेदर में जाते हैं और मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा। आ चुके हैं भाई लोग हमारे इतने बड़े से नेदर में। तो नेदर जैसा कि आपको पता बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और हमें एक्चुअली एक फोर्ट्रेस भी मिला था जो कि वो साइड में था। भाई इधर से भी दिख रहा है। वैसे मैं रॉकेट्स तो बहुत सारे लाया हूं, लेकिन मैं डायमंड्स क्यों लाया हूं यार? मैं रख के आता हूं। डायमंड्स तुम अभी के लिए इधर आराम करो। यस आई नो, ये बहुत सारे डायमंड्स है, मैंने कुछ ज्यादा ही खोद दिए थे। सीधे जाएंगे पोर्टल के अंदर। ओके भाई, तो अब मुझे एक ऐसा फोर्ट्रेस ढूंढना है जो कि एक सोल सैंड वैली में हो। ये रहा सोल सैंड वैली का बायोम, और ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि मुझे पूरा नेदर घूमना पड़ेगा। अहिला ये मेरा वाला स्ट्राइडर है, लेकिन अब स्ट्राइडर की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इलाइट्रा है, तो मैं उड़ के पूरा नेदर घूम सकता हूँ। एक्चुअली तो एक फोर्ट्रेस वहां पर है, लेकिन वो नहीं चलने वाला क्योंकि हमें सोल सैंड वैली में फोर्ट्रेस चाहिए। आई गेस हमें पूरा नेदर उड़ना ही पड़ेगा। ओह, ये दूसरा फोर्ट्रेस है क्या? ये वाला फोर्ट्रेस तो मैंने लूट लिया ऑलरेडी। अरे भाई 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 भाई, भाई, भाई उड़ा दे भाई, क्या कर रहा है ये? इसलिए नेदर खतरनाक होता है, इलेक्ट्रा के साथ तो और भी खतरनाक है। मैं एक ही डायरेक्शन में घूमने वाला हूँ क्योंकि वहां पर एक बैस्टियन है और वो मैंने ऑलरेडी लूटा हुआ है। ये मुझे बहुत पहले मिला था शायद। यहां पर एक मिल गया फोर्ट्रेस। भाई ये दूसरा फोर्ट्रेस है पक्का, मेरा रॉकेट खत्म हो चुका है। नहीं अरे बेड की ले रहा तू भाई, रॉकेट ले। हाँ बस ये वाला फोर्ट्रेस काम का हो सकता है। भाई कितना बड़ा फोर्ट्रेस है ये, और पूरा बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर मैं फार्म बना सकता हूँ अपना, बट रूल ये है कि फार्म के आसपास कोई दूसरा बायोम नहीं होना चाहिए, और ये बायोम तो सामने ही है। और ये आई थिंक नेदर वेस्ट का बायोम है। बाय द वे फोर्ट्रेस है बहुत बड़ा, लेकिन ये सुलसैंड वैली, अगर फोर्ट्रेस थोड़ा बाजू में होता ना तो मजा आ जाता। बस हमें इसी बायोम के अंदर फोर्ट्रेस ढूंढना है। यार ये बसॉल्ट बहुत गंदा बायोम है सच बोल। ओ और एक फोर्ट्रेस, भाई साहब क्या एक के बाद एक मिले जा रहे हैं भाई। और थोड़ा ऊपर जाना भाई, थोड़ा थोड़ा। अरे 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 अरे, किधर किधर उड़ा रहे भाई? हट मैग्मा तेरी। तो ये भी काम नहीं आएगा क्योंकि ये बसॉल्ट के अंदर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जब फोर्ट्रेस ढूंढने निकला तो एक के बाद एक मिले ही जा रहा है। और एक सोल सैंड वैली, गैस चुप रहे तू। ओ तीसरा, नहीं कितना, कौन सा फोर्ट्रेस है ये, भूल गया मैं, चौथा है शायद ये। बच गया। बट ये भी कुछ काम का नहीं है। एक्चुअली मिल गया पांचवा फोर्ट्रेस है, और ये सोल सैंड वैली में है गाइस। अरे गैस तेरी भैंस की आंख, दत तेरी। रुक तेरे गोले को ही मारता हूं मैं। ये ले और एक गोला। गई मर गई। ये वाला फोर्ट्रेस भी दो बायोम में मिक्स है यार। भाई इलेट्रा में फोर्ट्रेस ढूंढना इज सो इजी। और सामने एक बैस्टियन है। ओके ये मैंने लूटा नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ही ओपी वाला बैस्टियन है भाई, क्या करे, लूटा जाए क्या? बोलते हो भाई लोग? ओ मैंने गोल्ड नहीं पहना है। उड़ा उड़ा उड़ा, क्या बोलते हो भाई लोग, इसको लूटा जाए क्या? मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख के रखता हूँ, बाद में लूटेंगे इसको, क्योंकि अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर है। ये लोग ने ऑलमोस्ट मेरे को मार दिया था इधर ही। ओके ये एक सोल सैंड वैली का बहुत ही बड़ा फोर्ट्रेस मिल गया। यस गाइस, बस ये वही हो। अरे थोड़े के लिए क्या तू मरता है भाई? ओके थैंक यू भाई, भागो इधर से, हमला हो रहा है। आई थिंक वो फोर्ट्रेस हमारे लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि पूरा फोर्ट्रेस सोल सैंड वैली के अंदर है। और इधर विदर स्केलेटन की भीड़ है भाई, बहुत गंदी वाली भीड़ है। मुझे बस एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। ओ शिट, बहुत गंदी जगह आ गया मैं। टकले हट भाई, क्या जगह यार, डेढ़ हार्ट से बच रहा हूं मैं। हेलो अंकल जी, गुड मॉर्निंग। इधर में गुड मॉर्निंग भी होती है क्या? ओ भाई बहुत सारे स्केलेटन है इधर। और यहाँ पर एक ब्लेस स्पॉनर है। नाइस गाइस, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा ये रहा यहाँ पर है। हमारा हाईएस्ट पॉइंट इज Y83। और सारे डर्ट निकाल लेता हूँ भाई और भागता हूँ इधर से। अरे तुम भी इधर ही खड़े हो क्या? चंक बॉर्डर्स ऑन कर दिए। अबे कौन मार रहा है बे? इसका इतना अच्छा है मैं बे। चार चंक के सेंटर के अराउंड मैंने चेस्ट डाल दिया है भाई, मेरा चेस्ट उड़ा दिया भाई। अब मुझे इसमें से नेदर ब्रिक्स उठाने पड़ेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म का बॉर्डर रेडी हो चुका है। अरे गैस नीचे है क्या? अब इस पूरे को एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करना है।
गाइस फाइनली हमारा प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है जहाँ पर इस सारे स्केलेटन स्पॉन होंगे और हो भी रहे हैं। लेकिन ये क्यों स्पॉन हो रहा है यार, तुम्हारा कोई काम नहीं है, घर पे जाओ भाई। तो ये लोग स्पॉन ना हो इसलिए मुझे स्टोन ब्रिक के वॉल लगाने पड़ेंगे। हाँ भाई, तुम लोग तैयार हो गए मुझे मारने के लिए? लॉल अभी नहीं, थोड़ा टाइम है, रुको जरा। यहाँ पर ब्लेजेस स्पॉन ना हो इसलिए मैंने टॉर्चेस लगा दिया है। कौन मार रहा है बे? अबे तू ओवरवर्ल्ड के शाणे, इधर कैसे आ गया बे? अभी मैग्मा इससे पहले कि कुछ करने लगे तो हम फटाफट लगा देते हैं, एक दो। अरे बाप रे, ये मैग्मा तो बहुत सारे है बे। तो ब्लेज रॉड का टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस है। बस टेंशन इन मैग्मास का है, ये छोटे छोटे बच्चे ना, देखना पूरा स्कूल बन गया इधर इनका। तुम लोग ट्यूशन लेने आए हो क्या? भाई मैं फ्री में ट्यूशन नहीं करवाता, चलो भाई। हर्ष, फाइनली सारे मैग्मास खत्म हो गए, तू अकेला बच गया। मैं फटाफट वॉल्स लगा देता हूँ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे भाई। आप फेंकते रहे, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। अरे बाप रे, गेस्ट भी आ गए क्या? फाइनली बहुत टाइम बाद शांति हो रही है इधर, क्योंकि मैंने इतने सारे वॉल लगा दिए है और लगाने बाकी है। रुको जरा गाइस, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, कम ऑन। और लाइक को भी मत भूलना। फाइनली सारे वॉल्स हो चुके हैं गाइस, अब यहाँ पर बहुत शांति है इस रुतुड़ औरत के जो रिवर्स गियर में चल रही है। शाबाश भाई, रिवर्स कैमरा है क्या? बीच वाले चेस्ट को मैंने कवर अप कर दिया है क्योंकि इसके अंदर शायद गोलम जाने वाला है। यहाँ पर जेल वाले आयन बस डाल दिए है। आज जा मेरे गोलम बेटा, आई आ गया भाई, आई हायर्ड हेल्प। ओके अब तू बेटा इसके अंदर आ जा, ठीक है? चलो गुड बॉय, इसको तो धक्का ही मारना पड़ेगा लगता है। शाबाश, वेरी गुड, गुड बॉय गोलम। चलो गोलम बेटा ठीक से रहना अंदर, अब मैं तुमको यहाँ पर बंद करता हूँ। ओके, तुम्हारे मुंडी ऊपर ही रहेगा। इसके आगे चार ऑब्सिडियन लगा दूंगा और इसको वॉल से कवर अप कर दूंगा। अब इस गोलम को मैं कवर करने वाला हूँ रिपीटर्स से। रिपीटर से क्या होगा कि रेगुलर स्केलेटन्स को ये गोलम नहीं दिखेगा, लेकिन जो विदर स्केलेटन है उनकी हाइट थोड़ी लंबी होती है, तो वो लोग इस गोलम को आराम से देख पाएंगे और यहाँ पर सीधा अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे एक बड़ा सा पोर्टल, सारे विदर स्केलेटन सीधा पोर्टल में घुस जाएंगे। मेरे बाबू अंदर ठीक से रहना, घबराना मत, मैं इधर ही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसको छोड़ते हुए, यही तुम्हारा काम है ब्रो। अब इसको मैं कवर करने वाला हूँ स्लैब से। तो हमारा पोर्टल हो चुका है कम्प्लीट राजा क्राफ्टी। इसको स्पॉन प्रूफ करने के लिए इसके ऊपर भी स्लैब्स डाल देंगे। अब इस पोर्टल को मैं लाइट कर दिया, लेकिन इसके थ्रू मैं अभी नहीं जा सकता, वो पूरा फार्म तैयार होने के बाद ही मैं इसके थ्रू जा सकता हूँ। लेकिन अब बारी है नेदर रूफ के ऊपर जाने की। अरे तू भी तोड़ गया क्या? नेदर रूफ के मुझे ऐसे ही टावर करना पड़ेगा। वाओ, ये फार्म एक्चुअली बहुत मस्त दिख रहा है। सिर्फ एक ही चाचा घूम रहे हैं अंदर, वो चाचा भी जाएंगे बहुत जल्द। भाई कितना ऊपर है बे? पहुंच गए भाई। यहाँ पर एक छोटा सा रूम बना देता हूँ शेल का रखने के लिए। ओ, ये खुलेगा नहीं, लैडर्स और एंडर पर्ल्स चाहिए। मैंने अब तक कभी ट्राई नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो विश मी लक गाइस। और ओके, ओ मैं ऊपर जाके नीचे आया भाई, बहुत खतरनाक चीज है। तो चलो 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 चलो, ओ पहुंच गया गाइस। वाओ, दिस इज सो क्रेजी यार, मैं फर्स्ट टाइम नेदर रूफ के ऊपर आया हूं। नेदर रूफ में मशरूम भी उगता है, नाइस। मेरे पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, इसी के नीचे मेरा पोर्टल है और यहीं से मुझे टावर अप करना पड़ेगा। तो गाइस यहां पर मैंने मेरा AFK प्लेटफॉर्म बना दिया है, ये चार चंक के सेंटर में। यहां पर मैं AFK करूंगा और विदर स्केलेटन्स आते रहेंगे। अब बस मुझे कांच लेके इसको एक्सटेंड करना है। हो गया हमारा AFK प्लेटफॉर्म रेडी। इस AFK प्लेटफॉर्म के ऊपर बनेगा एक पोर्टल, ये रहा हमारा पोर्टल रेडी हो चुका है। अब इसी पोर्टल में से विदर स्केलेटन्स निकलेंगे, जो निकल रहे उनके लिए हम दीवार बना देते हैं। तो यहीं पर हमारे सारे विदर स्केलेटन्स नीचे गिरेंगे और उनको हम कट करेंगे। अभी सारे स्केलेटन बाहर ना आ जाए इसके लिए मैं ये ब्लॉक्स डाल देता हूँ और इसके नीचे दो ट्रैप डोर्स डाल देता हूँ। बस हो गया, चढ़ने के लिए भी लैडर्स डाल देता हूँ मैं। इसी पोर्टल के सामने हमारा दूसरा पोर्टल भी रेडी हो चुका है, इसको भी हम कर देंगे लाइट अप। और ये जो पोर्टल है ये हमारा है किलिंग चेम्बर, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लिख के रखता हूँ। ये जो हमारा किलिंग चेम्बर पोर्टल है, इसके आगे मैं एक डोर और वॉल लगा के इसको लाइट अप करके फाइनली मैं नेदर रूफ से बाहर निकल पाऊंगा, वरना यहाँ से निकलने का और कोई चांस नहीं है। ओ, नई एडवांसमेंट, सबस्पेस बबल, ओके दैट्स कूल, ये मुझे पता नहीं था। अभी हमें इस नेदर पोर्टल को तोड़ना पड़ेगा कि हम दूसरी जगह बनाने वाले हैं। वहां पर मैं पोर्टल से स्पॉन हुआ था और मेरे जो नेदर रूफ का पोर्टल था उसके कोऑर्डिनेट्स को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहां पर पहुंचा हूं। और एक रूइन पोर्टल दिख रहा है उधर। अब यहां पर मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर हमारे विदर्स लाइन में लगेंगे। यहां पर और एक पोर्टल बनेगा। ओ, वहां पर एक विलेज है और ये काफी बड़ा विलेज है, काफी बढ़िया नजारे दिख रहा है इधर से। और यहां पर पंपकिंस की फौज है पूरी। भाई आज जितने पोर्टल्स बनाया ना मैंने, जिंदगी में कभी नहीं बनाया। ये फार्म सच में बहुत डिफिकल्ट है। पोर्टल को भी मैं साइड से ब्लॉक कर देता हूँ ताकि हमारे स्केलेटन्स पीछे ना गिर जाए, उनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है ना भाई। मैं ही बचा के मैं ही मारने वाला हूँ उनको। अब इस ब्रिज को थोड़ा सा चौड़ा किया जाए और इस साइड में आएगा और एक पोर्टल। अब इन दोनों पोर्टल्स को हम स्टोन ब्रिक से कनेक्ट करेंगे, साइड में एक प्रोटेक्शन वाली दीवार लगाएंगे ताकि हमारे विदर स्केलेटन साइड में भी ना गिर पड़े। उनमें बुद्धि थोड़ी कम होती है तो किधर भी चले जाते हैं वो लोग। तो हमारे स्केलेटन्स यहां से आएंगे, यहां से चल चल कर यहां पर चढ़ेंगे इन स्लैब्स की मदद से और इस पोर्टल को भी हम लाइट अप कर देते हैं। और यहां पर मैं कॉबवेब्स डालने वाला हूं क्योंकि गेम में ऐसा है कि एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल के बीच में 14 सेकंड्स का गैप होना चाहिए। तो ये हमारे 14 सेकंड्स का गैप के लिए मदद करेगा। और ओके, मेहमान ऑलरेडी आ रहे हैं, बट तुम्हारी जरूरत नहीं है भैया, मैं इनको लाइट अप करके सीधे मेरे किलिंग एरिया में पहुंच जाऊंगा। कहीं और मत डाल देना। ओ यस, पहुंच गया। चलो ये बड़ी अच्छी बात हो गई। लास्ट स्टेप है, हमें सारे टॉर्चेस निकालने हैं ताकि हमारे स्केलेटन भैया स्पॉन हो पाए। फाइनली इतने देर बाद फार्म रेडी है, अब बस देखना है कि ये चलता है कि नहीं। अगर ये नहीं चला तो सारी मेहनत वेस्ट भाई, बट मुझे ट्यूटोरियल पे पूरा भरोसा है, उसका चला तो मेरा भी चलना ही चाहिए। अब मैं एक काम करता हूं, मैं
उस एरिया में जाकर देखता हूँ कि ऑपर स्केलेटन्स आए कि नहीं। और ओ यस दे आर हियर 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 वेट 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 मेरे को भाग। हश बच गया, चले लोग आ तो रहे मतलब बराबर से, अब बस मुझे यहाँ पर नीचे वेट करने की जरूरत है। चले देखते हैं, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद आ चुका हूँ मैं नीचे, फुल गर्दी भर चुकी है। हेलो अंकल जी। और भाई मरने के लिए तैयार? चल नीचे, अब इनको सब खटाखट मारेंगे भाई, मजा आता है ऐसा मारने में भाई। अंदर फुल तड़म ताड़ी लड़ाई चल रही है भाई। खैर तुम सबको मुक्ति मैं दे देता हूँ, मुझे बस स्कल दे दो ठीक है। ओ मिल गया स्कल, मिल गया भाई स्पूकी स्केरी स्केलेटन। किधर है किधर है, एक ही मिला क्या भाई? और दो, मेरा सारा आर्मर भी रिपेयर हो चुका है। एक मिनट इलेक्ट्रा रिपेयर करता हूँ। हो गया इलेक्ट्रा भी रिपेयर भाई, दिस इज सो क्रेजी यार। मैं इधर ही बैठ के AFK करूंगा भाई, और कुछ नहीं। लगता है मुझे एक कचरे का डब्बा बनाना पड़ेगा इधर, इतने सारे स्टोन स्वॉर्ड मिल रहे हैं ना, और ये लोग है कि आना खत्म ही नहीं हो रहा है भाई। बस करो यार, कितनी गर्दी है इधर। ओ माय गॉड, टोटल 6 विदर्स को ला चुके हैं भाई साहब। गाइस यू वुड बिलीव दिस, सिर्फ 10 मिनट AFK करने के बाद मेरे हाथ में 24 विदर स्केलेटन स्कल है भाई, दिस इज क्रेजी। मैं तो सोच रहा हूँ मेरे पूरे घर में मैं विदर स्केलेटन के स्कल लगा दूं, है ना भाई? क्या बोलते हो? ओ भाई मार दिया इसने। तुम लोग सब लोग जाओ नीचे, जाओ हटो। तो हम हमारे विलेजर ट्रेडिंग हॉल में नए स्पीकर्स लगा रहे हैं। ये रहे फुल ब्लूटूथ स्पीकर है, एकदम जोरदार बजते हैं, चारों तरफ लगाएंगे, सबको गाना सुनाएंगे। नाचना तुम ठीक है, जो नहीं नाचेगा उसको 500 रुपए का फाइन लगेगा। फुल चश्मा ऊपर करके नाचो, मस्त लग रहा है ना ब्लूटूथ स्पीकर, क्योंकि अब हमारे पास अनलिमिटेड स्कल्स हो चुके हैं। अब बारी है विदर को मारने की, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट टाइम।